मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आदित्य प्रकाश, कार्यानुभव शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय चौपन। आज की एक्टिविटी में हम आपको गिफ्ट टाइप एनवेलप बनाना बताएंगे। इसको शगुन एनवेलप भी बोलते हैं। आप लोग जानते हो कि कोई भी मैरिज पार्टी हो, कहीं जाना है, किसी को गिफ्ट देना है, तो आजकल गिफ्ट अच्छा लोगों का रहता है कि उसमें कुछ पैसे रख के एनवेलप में दे दिया जाए। मार्केट में तो वो मिलता ही है, लेकिन हम उसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आप लोगों को सीखना है और इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, पहले वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप एनवेलप को पहले देख लो कि क्या है। देखो, जैसे ये एनवेलप है, ये इसमें कॉइन्स लगे हुए हैं, मार्केट में मिलता है। ये आप डिज़ाइन देखते जाइए, पहले आपको मैं दिखा दूँ कि जिससे आप ये परिचित हो जाओ कि किस तरह का ये होता है। ये मार्केट के एनवेलप हैं। आप मार्केट में लोगे तो ये जो है आपके जो है 5 रुपीज़, 6 रुपीज़, 10 रुपीज़ तक मिलते हैं। अब ये देखो, ये मार्केट ये जो है बनाया गया है, यहाँ पे बनाया है हमने, और ये चीज़ आप लोगों को जो है कई साइज़ में है। तो इसमें जो बनाते समय ये ध्यान आपको रखना है। देखो, इसके ऊपर कॉइन्स लगे हुए हैं, ये कॉइन्स आपको भी लगाना है, 1 रुपी कॉइन्स है। और ये चीज़ जो है साइज़ का डिपेंड करता है कि कितना साइज़। अब ये जो जैसे छोटा साइज़ है, इसमें पैसा आपका आ ही नहीं पाएगा, ये एकदम एग्जैक्ट साइज है। तो ये साइज को ध्यान रखते हुए हमें एनवेलप को बनाना है। और हम अभी आप लोगों को ये और इसमें क्या क्या ज़रूरत है वो देखते जाइए। इसमें एक पेपर डेकोरेशन पर्पज से लग सकता है, वो रखा हुआ है। और ये सिल्वर पेपर है, कोई भी पेपर इस्तेमाल कर सकते हो। ये सिल्वर आपका पेपर है, इस सिल्वर पेपर की सहायता से हम एनवेलप बनाएंगे। और साथ में देखो, ये मटेरियल में, ये टूल्स में कैंची है, ये थर्माकोल कटर है, इस ये पेंसिल है, स्केच है, कैंची है, आपका जो है स्केल है, रबड़ है, गम है, फेविकोल, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे चीज़ इसमें जो है कटिंग पर्पज से जो घरों में हर जगह उपलब्ध होता है, ये आपको रखना है। और साथ में ये आप कोशिश करिए कि हमारे साथ बनाइए। तो सबसे पहले हम आपको ये दिखाना शुरू करते हैं कि ये देखो, जैसे ये सिल्वर पेपर है, कोई भी पेपर आप इस पेपर से भी बना सकते हैं, ऐसी बात है। लेकिन ये थोड़ा सा हल्का है, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, इस्तेमाल इसका भी हम कर सकते हैं। तो अब ये देखो, ये सिल्वर पेपर है, इसमें से हम एक साइज की एक इसमें हमने एक कटिंग किया है। देखो, ये इसी में से काट के हमने ये रखा है। ये जो है इसकी साइज हमने पहले से ही मेजर करके रखा है आपको दिखाने के लिए। ये जो है इधर से आप देखोगे तो ये है आपका 18 सेंटीमीटर और इधर से है 20 सेंटीमीटर, मतलब 18x20 का एक पेपर का टुकड़ा हमने काट लिया। ये स्केल से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप देखिए, ये स्केल है, बड़ी वाली स्केल चाहिए। इसमें जो है ये आप देख रहे हो कि 18 सेंटीमीटर, वहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक 18 सेंटीमीटर है। और ये जो है इधर से ये है आपका 20 सेंटीमीटर। ये साइज का एक पेपर हमने लिया। पेपर में हमको जो एनवेलप का जो साइज बनाना है, जो कटने के बाद होगा, वो उसके लिए ये 8.5 के बीच में रहेगा, मतलब ये और ये इसके बीच में हम ये आपका एनवेलप बनाए। अभी तो मैं स्केच पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, लेकिन आप लोग पेंसिल से इस्तेमाल करोगे। ये है, और ये आपको दिखा दें हम कि ये कितना है इसका, ये 8.5 है, ध्यान रखें। और ये ऊपर जो है 3 सेंटीमीटर है, ये जो दूरी है ये 3 सेंटीमीटर है। अब आप कहोगे 3 सेंटीमीटर कैसे नापे, तो यहाँ से देखिए, ये 1, 2, 3 यहाँ पे हमने लिया और इधर भी लिया है 1, 2, 3, और यहाँ से हमने निशान लगा दिया। इसी तरह से ये इधर की जो दूरी है ये 6.5 है, यहाँ से देखिए आप 6.6 से लेके यहाँ पे 6.5 हो गया। तो इधर मेजर कर लिए और इधर 6.5 बराबर से ले लिए और ये लाइन यहाँ पे हमने खींच दिया। अब ये दोनों साइड जो मार्जिन होगी वो मार्जिन है 1.5 का, तो यहाँ पे 1.5 पे हमने मार्क किया, देखिए ये 1.5 और यहाँ पे भी ये 1.5 है। अब इसको जो है 1.5 का हमने जो लिया, एक इस पर हमने ये मार्जिन का जो है 1.5 का, ये अभी हम लाइन खींच दे रहे हैं कि आपको दिखाई दे। और यही चीज़ इधर से भी 1.5 यहाँ से हम मेजर करते हैं, ये 1.5 इधर हो गया और ये जो है 1.5 इधर हो गया। अब इस मार्जिन को जो है यहाँ से आप ये निशान लगा लीजिए, तो
तुरंत लाइन खींचिए, ये लाइन हो गया। कहने मतलब कि ये चीज आपका हो गया। अब आप देखते जाइए ये साइज आपका एनवेलप का होगा। अब इसमें जो है जो पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो आपको मैं दिखा दूं कि आपको पता चले, ये पोर्शन आपको कट करना है, कट करके निकाल देना है। ये कट करके निकालना है, तो ये हम इसको जो है बहुत जेंटली इसको पेंसिल की सहायता से, हम देखो सीजर की सहायता से हम काट करके निकालते हैं। कैंची धीरे धीरे चलाना है कि आगे न कटे वो। हाँ कटिंग तो देखिए ये हमने चारों कोने आपके निकाल दिए हैं और यहाँ पे सारे मेजरमेंट लिखा है 3.5, 8.5 है, ये 6.5, यहाँ से लेके 18 सेंटीमीटर और ये है 20 सेंटीमीटर, ये 1.5, ये 1.5, ये कटिंग करके चारों कॉर्नर हमने निकाल दिया है। अब इसमें से यहाँ पे जो है ये यहाँ पे एक ट्रेंगल जैसा काट के आपको निकालना है, अंदाज से छोटे में एक दोनों साइड में बराबर हो। पहले आप निशान लगा लीजिए और निशान लगाने के बाद जो है आप इसको काट के निकालना है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, देखिए जहां निशान लगा है वहां से हम इसको काट के निकालते हैं। अब देखिए ये एक तरह से आपका एक इसका एक लुक आ रहा है। इसको यहाँ से जहाँ पे निशान लगा है यहाँ पे इसको जो है इसे मोड़ना है। आप देखते जाएं अभी ये है और फिर इस साइड से जो है इसको ला के यहाँ पे अच्छी तरह से इसको जो है ये इधर से प्रेस करना है और इसको जो है आप यहाँ से ला के प्रेस करेंगे, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे आके ये आपका जो है इस तरह से इसके ऊपर ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको जो है एक जो है हम ये बताएं कि यहाँ पे एक आपका जो है क्वाइन लगना है। ये बताया था ना कि एक सिक्के लगाने हैं कहीं पे, तो एक देखो जो सिक्का लगाने के लिए इसमें एक छोटा सिक्का लेंगे एक बड़ा सिक्का, छोटे सिक्के को रख के ऊपर से हम स्केच करेंगे। तो अब देखो जैसे ऐसे आप समझना है ये आपको बंद हो गया तो सिक्का पोजिशन इधर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक हम छोटा सिक्का ये ऐसे यहाँ पे लगा रहे हैं, एक सिक्का लगा दे रहे हैं यहाँ पे और इसको जो है यहाँ पे रख के इस छोटे सिक्कों को यहाँ पे हमने रखा और यहाँ से इसको जो है इससे जो है अच्छी तरह से चारों तरफ से खूब अच्छी तरह से स्केचिंग करोगे तो ये निकल जाएगा। और ये अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है निकलने में तो इसके लिए ये रखा हुआ है आपका जो है कटर, इसकी सहायता से इसमें थोड़ा सा अब स्केच आप लगा दीजिए। ये थोड़ा जल्दी में हम कर रहे हैं इसलिए, नहीं तो ये आप अगर रब करोगे तो भी ये निकलेगा, लेकिन ये लाइन सीधी होनी चाहिए। हाँ देखो ये जो है हमने ये काट के निकाल दिया। अब ये देख रहे हैं आप कि ये पॉइंट छोटा है, इसमें से ये तो बाहर निकल जाएगा, इसलिए क्यों एक छोटा लेना है एक बड़ा लेना है।
अब छोटे से कटिंग हुआ, और बड़ा जो है इसके इस साइड में आपको यहाँ पे जो है ये रख लेना है, और बल्कि इसको जो है थोड़ा सा साइड में आप लिखा दोगे मजबूती के लिए, ऐसे हल्का सा जो है इसमें जो है हम थोड़ा सा ये फेविकोल लगा दिया, और फेविकोल लगा के इसके ऊपर जो है ऐसे रख दिया, और ये जो है मजबूती के लिए इसमें हम चाहें तो ये आपको कोई भी सेलो टेप भी लगा सकते हो, डेकोरेटिव पेपर लगा सकते हो। इसको जो है हम यहाँ से इसको एक लगा दे रहे हैं कि ये जो है मजबूती से इसको पकड़ा रहेगा। एक इस साइड से ले लीजिए और एक जो है दूसरे साइड से भी ले लीजिए, ये अंदर का पोर्शन है, ठीक है। अब ये इसको जो है पकड़ा रहेगा, ये सूख जाएगा। अब देखिए, अब ये प्रोसीजर, ये वाला जो पोर्शन आपने इसको जो है यहाँ पे लाया, और इस पोर्शन पे आप जो है, अब ये स्केच का है, आप लोग बताने के लिए किया है, अगर ये बताना नहीं होता तो हम पेंसिल से करते हो, फिर पेंसिल से जो है पेंसिल का इस्तेमाल करके और फिर इसको रबड़ से हम इरेज कर देंगे कि वो नहीं दिखाई देगा। अब इसमें वो गम लगाना है, गम लगा लिए। अब जो है ये वाला जो पोर्शन जहाँ आप लाइन है, ये जो है आपका ऐसे आ जाएगा, और अब ये जो है आपका, तो एक तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये जो है लिफाफे के ऊपर ये थोड़ा सा गम कहीं दिख रहा है जो भी, तो इसको जो है थोड़ा सा साफ कर लिए, और ये आपका ये एनवलप तैयार हो गया। अब ये तैयार होने के लिए, अब इसको आपको अगर ये देखना है, अगर तो इसके अंदर जो है आप एक्चुअल में देखो, नोट की कई साइज होती है, तो जिस साइज का आप नोट डालना चाहो इसमें आप इसमें डाल सकते हो, इसमें ये उसी के अनुसार डालना है। जैसे मान लो कि आपने इसमें पैसा डालना है, ये 500 का नोट हमने इसमें रख दिया, ठीक है, और ये इसी साइज का है, चाहे 100 के रखिए चाहे कोई 10 का रखिए, ये इसके अंदर अच्छी तरह से वो आ जाना चाहिए। और इसके बाद ये इसको जो है ऐसे बंद कर लिए, और साथ में थोड़ा सा अच्छे से लगने के लिए इसमें ये धागे से जो है इसको जो है अच्छी तरह से, एक धागा हमने पहले ही बोला था आपको, एक धागा लीजिए, धागे से एक गांठ लगा दीजिए इसमें, और यहाँ पे जो है आपका एड्रेस लिखने के लिए हो जाएगा, यहाँ से भेजने के लिए। और कुछ सजावट चाह रहे हो तो जैसे हमने ये पीला से पेपर रखा हुआ है, पेपर से ये कटिंग करके और छोटे मोटे इसके डिजाइन बना लो, जैसे अब तुम लोगों को दिखा रहे हैं एक दो डिजाइन हमने बनाया है ये कटिंग करके। अब इसमें अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि इसको जो है हल्का सा इसमें वो किया, और ये जो है साइड में जो है कहीं सजावट के लिए इसे आदमी रख सकता है, ये लगा दिया। एक और ले लिए ये डिज़ाइन, छोटा सा कोई फूल पत्ती आप लगा सकते हो, और यहाँ पे हम इसको जो है दूसरे डायरेक्शन में रख देते हैं, यहाँ पे आप चाहो तो एक आध मोती भी लगा सकते हो, और इस तरह से आपका ये लिफाफा तैयार हो गया। आप अच्छी तरह से सारे लोग इस लिफाफे को बनाने का कोशिश करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सीखा, हम सोच समझ रहे हैं कि आप लोग अब इसको बहुत अच्छी तरह से बना पाओगे। थैंक यू।